हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है फैब्रिक और ये इसका अस्तर है। इसमें मैं बेबी टॉप बनाऊंगी, लहंगे का टॉप। ये देखिए, कट स्लीव बनाना है। ये मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड किया और ये उसको भी फोल्ड कर दिया, ये फोर फोल्ड हो गया। और इसकी लेंथ मैं 15 इंच रख रही हूँ और ये शोल्डर है 5 इंच और ये डाउन वे है 5 इंच। इसको भी ऐसे मिला देंगे और 1 इंच का कॉर्नर पे एक मार्क करके ऐसे आर्म होल का शेप दे देंगे। और वहीं से ऐसे में हम चेस्ट का नाप ले लेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं, ये हो गई कटिंग। और ये दोनों पार्ट को हम अलग अलग कट करेंगे। ये पहले मैंने बैक पार्ट लिया है और उसे डबल फोल्ड कर लिया और उसकी भी कटिंग हो गई है, देखिए। और यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्क करेंगे गले के लिए। ये बैक नेक है, 1 इंच गहराई लेंगे इसके और उसे एक इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और उसको भी ऐसे राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो गई और इसमें ये डिजाइन है, इसलिए इसको ऐसे मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कटिंग हो गई और ये सीधे रखे हैं मैंने और उसके ऊपर अस्तर लगा के ये आर्म होल और नेक और ये नीचे का पार्ट सिलाई कर लेंगे। ये जो डिजाइन है सेम इस पे करेंगे और बाकी तो जैसे ये आर्म होल है और नीचे का जो ये साइड है, ऐसे ही हमने बैक पार्ट का भी बना लिया है। और ये शोल्डर ज्वाइंट कर दें और अब ये देखिए, यहाँ नीचे से मैं 2 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ दोनों साइड में। और ये ऊपर से जो हमारा सिलाई का नाप है, यहाँ से यहाँ तक एक मार्क कर लेंगे सिलाई के लिए और इस साइड भी उसको ऐसे थाप कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा। या इंची टेप से भी नाप के हम लगा सकते हैं। ऐसे मार्क कर लेना है और यहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे जहाँ तक ये मार्क किए हैं। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली और ये 2-2 इंच ये देखिए खाली है, तो इसको भी बनाते हैं। ऐसे इसका चाक बनाएंगे जैसे सूट में बनाते हैं, ऐसे फोल्ड कर लिया और इस साइड भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए इस पर सिलाई चला लिए, दोनों साइड ही मैंने सिल लिया है। ये देखिए टॉप लगभग बन के रेडी है। इसमें एक बटन लगाने हैं बैक साइड में यहाँ पर, तो कोई 100 बटन लगा देंगे इस तरीके से। चलिए बटन भी इसमें लगा देते हैं सुई धागे की मदद से। और इसको अच्छे से पीछे से गांठ लगा देंगे, अच्छे से बांध देंगे। और ये देखिए इसमें
लगा देंगे। ये देखिए बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए ऐसा दिख रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर।